दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल के काफी सारे व्यूवर्स के द्वारा अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो अगर आप भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन के अकाउंटिंग की जॉब करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपके माइंड में भी टेली सॉफ्टवेयर सीखने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी सस्पेंस है, वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हम आज की इस क्लास के अंदर आपको बताने वाले हैं कि अगर आप टेली सॉफ्टवेयर को किसी पर्टिकुलर बुक्स के साथ या किसी मतलब टीचर्स के नोट्स के साथ अगर आप उस टेली सॉफ्टवेयर को सीखते हो तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या आपको इसके डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे। और यही आप टेली सॉफ्टवेयर को किसी बिजनेस के ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ अगर आप सीखते हो तो आपको इसका कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रैक्टिकली क्लियर करके बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देख लेना। और ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगी जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीखने की प्लानिंग कर रहे हैं, अकाउंटेंट बनने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो अब अपने सबसे पहले बात करते हैं टेली सॉफ्टवेयर सीखने की। तो अगर अपने बात आए टेली सॉफ्टवेयर सीखने की तो आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं टेली सॉफ्टवेयर को सीखने की। कौन कौन से? पहला तो रहेगा टेली को किसी बुक्स के द्वारा सीखा जाए या किसी टीचर्स के या किसी अकाउंटेंट के द्वारा बनाए हुए नोट्स के साथ सीखे। और दूसरा आपके पास में रहता है प्रैक्टिकल मेथड, यानी कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के साथ टेली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करना। अब इसका मतलब क्या हो गया, भी बिजनेस के ओरिजिनल परचेज बिल, सेल बिल, पेमेंट रिसिप्ट वाउचर के साथ में, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट वाउचर के साथ में, बैंक स्टेटमेंट के साथ में, ये सारी ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ टेली सॉफ्टवेयर को सीखना और एक टेली को किसी बुक्स के साथ में सीखना। अब सबसे पहले मैंने बात करेंगे भी टेली को अगर आप बुक्स के नॉलेज के साथ सीखते हो तो आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा, क्या कुछ बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले अपने टेली बुक्स को ओपन करते हैं। अब वैसे आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी टेली की बुक्स अवेलेबल मिल जाएगी, अलग अलग राइटर्स की मिलेगी। आप स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, अक्सर कंटेंट्स ऑफ बुक्स के अंदर लिखा होता है भी आपको इस बुक्स के अंदर क्या क्या कुछ सीखने को मिलेगा, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि अकाउंटिंग फंडामेंटल है, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन है, वाउचर की एंट्रीज है, इन्वेंट्री स्टॉक आइटम वगैरह कैसे बनानी है, और इसके साथ साथ टेली सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उनके बारे में बताया होता है। अब उसके बाद जैसे अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अकाउंटिंग फंडामेंटल के बताया होता है भी टाइप ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल के साथ बताया होता है। और उसके बाद में जब अपने थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो इसके साथ साथ हमारी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट हो जाती है प्रैक्टिस के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भी सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैश 180,000, यानी कि सुरेश ने नगद के साथ में 180,000 से बिजनेस है जो स्टार्ट किया। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, भी कैश का अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि सुरेश का अकाउंट है जो क्रेडिट होने वाला है। अब इसके अंदर क्या होगा, भी कैश हमारी बिजनेस के अंदर आया है, आने वाली बुक्स को मतलब आने वाली वस्तु को अपने डेबिट करते हैं। अब ये कैश हमारा क्या आ गया, एक रियल अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट यानी कि सुरेश का अकाउंट यहाँ पर क्या बनने वाला है, पर्सनल अकाउंट बनने वाला है। ये सारी आपको एग्जांपल वहाँ पर दिए जाते हैं। अब ये बात यहाँ पर आएगी, अगर आपने इस चीज़ को प्रैक्टिकली किस तरीके से आप देखोगे, इसको बुक्स में तो आपने देख लिया, बुक्स वाले ने एंट्री भी लिख वहाँ पर लाइन भी लिख दी क्वेश्चन का और उसका आंसर भी आपको बता दिया, लेकिन अब इसको अपने प्रैक्टिकली क्या समझेंगे। प्रैक्टिकली का मतलब अब यहाँ पर जो 180,000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी कि यहाँ पर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस यहाँ पर हुई है, इसकी स्टोरी आपके पास क्या है, ये पैसा आपके पास आया कहाँ से है? आपके पास जाहिर सी बात है भी आपने पहले कोई वर्किंग करते होंगे, आपने कोई पूंजी इकट्ठी की होगी, आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस पड़ा होगा, आपने मेहनत करी उसका पैसा आपने जोड़ा होगा, लेकिन इसकी स्टोरी भी आपके पास होनी चाहिए भी 180,000 रुपये का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये पैसा आया कहाँ से है? चलो अपने थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद में जैसा कि कैश डिपॉजिट इंटू बैंक 55,000 रुपये, यानी कि 55,000 रुपये के अंदर कैश जमा कराया है, तो जाहिर सी बात है भी बैंक का अकाउंट डेबिट होगा, कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर यहाँ अपने अकाउंट्स की बात करें तो पीएनबी बैंक अकाउंट क्या है, यहाँ पे एक तरीके का पर्सनल अकाउंट है और कैश यहाँ पर रियल अकाउंट आ रहा है।
रियल अकाउंट की ये होती है जहां पे देखो यहाँ पे कैश बिजनेस के अंदर आया था तो डेबिट हुआ, और यहाँ कैश है जो बिजनेस से जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा एग्जाम्पल की अपन ही बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000 रुपये। यहाँ पे परचेज अकाउंट है, ये भी एक तरीके का रियल अकाउंट है और कैश भी यहाँ पर रियल अकाउंट है। अब यहाँ देखो भी परचेज का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहा है और नगद खरीदा तो इसका मतलब पैसा बिजनेस से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज आपके भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर अपने एज पर रूल की बात करें तो आपको इस बुक्स के थ्रू कोई रूल के बारे में नहीं पता चल रहा, न तो यहाँ पर आपको कोई इनकम टैक्स का रूल पता चल रहा और न ही आपको यहाँ पर कोई जीएसटी के बारे में पता चल रहा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर इस लाइन के अंदर गलती क्या हुई है, क्या मिस्टेक हुई है। यहाँ लिखा हुआ है भी 22,000 रुपये से आपने नगद सामान खरीदा। अब ये रूल ये कहता है इनकम टैक्स का भी आप 10,000 से ज्यादा किसी को वन टाइम आप पेमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो किसी को आप पेमेंट कर सकते, नहीं आप कोई खर्चा कर सकते। अब परचेज भी आप एक तरीके का आपका खर्चा है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो आपको ये एंट्रीज नहीं करनी पड़ेगी। ये एंट्री मतलब एज पर प्रैक्टिकली अगर आपने देखा जाए तो ये एंट्री गलत है जो लिखी हुई है। चलो ठीक है, जैसे बुक्स के अंदर लिख दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अब क्या होगा भी आपने बुक्स के थ्रू आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ रहे हो जैसा भी आ रहा है, लेकिन अब इसके अंदर आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है। एडवांटेज आपको ये मिल रहा होगा भी आपने जैसे इसको अंदर पढ़ लिया, आप उसके बाद टेली सॉफ्टवेयर पे गए, वहां पर आपके इसके ग्रुप्स के बारे में बताया गया है भी ये इतने इतने टाइप के ग्रुप्स होते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर ये डिटेल बताई होती है भी कौन सा लेजर बनेगा तो उसका क्या ग्रुप रहेगा। अब जैसा कि यहाँ पर ये पीएनबी बैंक लिखा हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये बैंक अकाउंट यहां पर तो लिख दिया, लेकिन अगर ये मान लीजिए आपका जो बैंक अकाउंट है ये अगर सीसी अकाउंट है या ओडी अकाउंट है या करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, तो अगर आपके ये बैंक अकाउंट का मेथड चेंज होगा तो यहां पे जरूरी नहीं है भी सभी का अकाउंट बैंक अकाउंट आएगा। करंट लाइबिलिटीज भी हो सकती है, बैंक सीसी अकाउंट भी हो सकता है, बैंक ओडी अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है ना, इसी तरीके से आपके कुछ अलग अलग एक्सपेंसेस की डिटेल यहां पर दी होती है। अब जैसे कि यहाँ पे टीडीएस है, अब टीडीएस का यहाँ इन्होंने बताया रखा है बुक्स के अंदर भी ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, ये कुछ जरूरी नहीं है टीडीएस है। अगर ये टीडीएस अगर आपका ये पेबल है तो आपके लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। अगर आपके टीडीएस मान लीजिए कोई आपका एडवांस टैक्स है यानी कि आपकी ये एसेट बन रही है तो आपका ये क्या रहेगा, करंट एसेट रहेगा। अगर आपका ये एसेट है यानी कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो इस तरीके से आपको बुक्स के अंदर ये एक चीजें पता चल रही है। और दूसरा बात, आपका एडवांटेज इसके अंदर ये रहता है भी आप टेली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये चीज़ का पता चल जाता है भी आप F4 के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे बैंक में कैश जमा कराना, बैंक से पैसा विड्रॉल करना या बैंक टू बैंक की एंट्री करना ये कर सकते हो। F5 के अंदर अपने पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, चाहे अपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो चाहे आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। F6 के अंदर अपने रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं, चाहे वो पैसा में नकद रिसीव हो रहा हो चाहे वो बैंक के थ्रू रिसीव हो रहा हो। F8 के अंदर आप सेल कर सकते हो, F9 में आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, F7 में आप जर्नल एंट्रीज कर सकते हो, नॉन केस की एडजस्टमेंट की वो कर सकते हो, तो ये सब कुछ आपको बुक से पता चल जाएगा। लेकिन अब अपने बात करते हैं सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज आपके क्या रहेगा अगर आप टेली सॉफ्टवेयर को बुक्स के थ्रू सीख रहे हो तो। देखो अब आपका इसका डिसएडवांटेज क्या रहने वाला, डिसएडवांटेज इसका ये रहेगा भी आप इन सभी बातों को प्रैक्टिकली नहीं समझ पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिकली का मतलब क्या बन गया, अभी मान लीजिए जैसे अभी हमने यहाँ पे वहां लिखा हुआ था भी आपने 22,000 रुपये का कैश में परचेज कर लिया। ठीक है, आपने कैश में परचेज कर लिया लेकिन आपने के पास में कोई ना कोई वाउचर तो उसका आया होगा, कोई ना कोई बिल तो उसका आया होगा उस 22,000 रुपये का। इस 22,000 रुपये के अंदर आपकी स्टॉक आइटम भी होगी, इस 22,000 के अंदर आपका कोई जीएसटी का कोई टैक्स भी लगा होगा, तो आप यहाँ से कैसे डिफाइन करोगे। अभी आपको देखना भी ये 22,000 रुपये की आपने जो परचेज करी है वो किसी रेगुलर डीलर से परचेज करी है या किसी कंपोजिशन डीलर से परचेज करी है, कैसे डिफाइन होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं भी प्रैक्टिकली अगर अपने इसको सीखते हैं तो। अपने प्रैक्टिकली का मतलब हो गया भी जब भी हम अकाउंटिंग को सीखने के बाद, टेली सॉफ्टवेयर सीखने के बाद अपने किसी मतलब कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर हमारे को इस तरीके के वाउचर दिए जाएंगे, न कि वहां पर आपको जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा जैसे कि इस तरीके से कोई लिखी हुई लाइन है, कोई इस तरीके से लिखी हुई लाइन है, आपको वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगी। जैसा यहाँ आप देख सकते हो वहाँ
लाइनों का कोई काम नहीं होता, वहां पर ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ, ओरिजिनल पेपर वर्क के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए, मान लीजिए ये वाउचर है, और इस वाउचर को देख कर आपको यह भी पता होना चाहिए कि अब इस वाउचर को देख के एंट्री तो करनी है, एक बात तो तय है, ये एक वाउचर है, ठीक है। अब ये वाउचर है क्या, हमें वाउचर कहाँ करना है, हमारे लिए परचेज बन रहा है या हमारे लिए सेल बन रहा है, कोई डेबिट नोट बन रहा है या कोई क्रेडिट नोट बन रहा है, क्या बन रहा है, इसकी पहचान आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर इसके हेडिंग ऊपर या टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या बन रहा है। यहाँ पर हमने मान लीजिए कोई परचेज की एंट्री इसकी कर रही है तो इसका इनवॉइस नंबर यहाँ पर है, तो इसका इनवॉइस नंबर हमें कहाँ लिखना होता है, इस इनवॉइस नंबर की वैल्यू क्या है। इनवॉइस नंबर ना लिखें तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो स्टॉक आइटम इस इनवॉइस के अंदर हमारे को मिली हुई है, इस स्टॉक आइटम को हमें प्रैक्टिकली किस तरीके से क्रिएट करना होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। क्योंकि हम अगर सीख रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट पे तो वहां पर अगर मान लीजिए हमने कोई गलत लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर जब स्टॉक आइटम है प्रैक्टिकली हम बना रहे हैं किसी कंपनी की, तो वहां पर हमें पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का नाम, उसका ग्रुप, उसका यूनिट, उसका HSN कोड, उसका GST परसेंटेज, ये सारी चीज़ें हमें बहुत केयरफुली मेंशन करनी पड़ती है। क्योंकि आपने इन चारों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ अगर गलत कर दी तो आपका सीधा सीधा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, GST की रिटर्न पे। यानी कि अगर आप इसकी परचेज कर रहे हो तो हो सकता है आपका इस इनवॉइस का ITC है वो आपको 3B के अंदर ना शो, GSTR 2 के अंदर आपकी बुक्स के अंदर इसका ना शो। ये सारी बातें आगे में प्रैक्टिकली सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद में हमें कितने टाइप के परचेज लेजर यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे, टाइप ऑफ परचेज लेजर, कितने टाइप के परचेज लेजर होंगे बुक्स के अंदर। यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर में तो आपने देख लिया एक एंट्री लिखी होती है भी परचेज काउंट डेबिट टू कैश, लेकिन वाउचर के देखने के बाद आपको पता चलेगा भी इसके अंदर हमारे पास 5% का भी लेजर हमें परचेज का क्रिएट करना होगा, 12 का भी हो सकता है, 18 के भी हो सकते हैं, एग्जम्प्ट यानी कि टैक्स फ्री का भी हो सकते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, अब इसका टैक्स का लेजर कैसे बनाना है, अब ये जो टैक्स लगा हुआ है अभी हमारी कंपनी के लिए कोई इनपुट टैक्स है या आउटपुट टैक्स है, हमें कैसे पता चलेगा, कौन सा इसका लेजर बनना पड़ेगा, उसका ग्रुप का सिलेक्शन क्या करना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसा अभी हमने देखा यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस, और यहाँ भी एक सेम वही इसी तरीके का इनवॉइस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट नोट। अब इस क्रेडिट नोट का मतलब क्या बन गया, हर चीज़ आपकी कोई सेल रिटर्न नहीं हो सकती, हर टाइप की आपकी कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज रिटर्न नहीं हो सकती, तो वो आपको वाउचर को देख के पता करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट नंबर आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, इसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो दिया हुआ है वो आपको कहाँ मेंशन करना पड़ेगा, इस वाउचर का हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक घटेगा, स्टॉक बढ़ेगा, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, एसेट बढ़ेगा या घटेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकली पता चलेगी, ये बातें आपको बुक्स के साथ पता नहीं चलेगी। इसके साथ साथ कुछ वाउचर हमारे पास अलग ऐसे भी होते हैं जहाँ इस बुक्स के वाउचर के ऊपर लिखा हुआ है बिल ऑफ सप्लाई। अभी हमने देखा था टैक्स इनवॉइस भी देखा, क्रेडिट नोट भी देखा, टैक्स यहाँ पर भी क्रेडिट नोट है, ये भी टैक्स इनवॉइस है, ये भी टैक्स इनवॉइस है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बिल ऑफ सप्लाई। अब ये बिल ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर है तो इनवॉइस नंबर कैसा होगा, आपको कैसे पता लगेगा अभी जो हमारा सप्लायर है ये हमारा GST का रेगुलर है या कंपोजिशन स्कीम का है, इनपुट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारी बातें आपको पता चलेगी जब आप इन सभी बातों को प्रैक्टिकली सीखोगे। और प्रैक्टिकली आप सीखोगे कैसे, आपको किसी एक्सपर्ट अकाउंटेंट के अंडर में रहते हुए सारी बातें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो भी हम बुक्स के सीख के साथ और हम किसी कंपनी में जॉब कर लेंगे तो बहुत मुश्किल का काम है, ये एक तरीके हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल है। आपको बुक्स के नॉलेज के थ्रू आप कंपनी में ये प्रैक्टिकली आप ये सारी बातें नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बुक्स का नॉलेज अभी आपको मैंने प्रैक्टिकली थोड़ा एग्जांपल के साथ बता दिया, जैसा कि यहाँ लिखा था बी रेंट वेज बी पेड वेज 1800 रुपये, ठीक है, यानी कि हमने मजदूरी पे करी 1800 रुपये की नगद के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर प्रैक्टिकली ये सारी बातें भी आएंगी भी अगर आपने कोई वेजेस पे करी है तो इसके ऊपर RCM एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है, आपको इसका इनवॉइस बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा, कोई वाउचर आपको तैयार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, अगर इसका वाउचर तैयार करना पड़े तो क्या बनेगा, कोई इससे इनवॉइस बनेगा या कोई डेबिट नोट बनेगा, तो इस बात को आपको कैसे पता चलेगा। तो यानी कि आप बुक्स के थ्रू आपको पास एडवांटेज क्या है भी आपको पता चल जाता है, अकाउंट्स के टेली सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स क्या क्या है,
कौन से फीचर के अंदर अपनी किस टाइप की एंट्री कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या हुआ भी, आपको बुक्स के अंदर केवल लिखी हुई बातें मिलेंगी, जो कि प्रैक्टिकल मतलब अगर अपने लाइफ की बात करें तो वहां से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आपको इस टाइप की अगर आपको कोई वर्कशॉप अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आप कोई बुक्स आपके पास ऐसी है जहां पर इस टाइप के इनवॉइस आपको दिखाए गए हों और उस इनवॉइस के बारे में एक एक ऑप्शन के बारे में बताया गया हो, ये टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या है, ये जो जीएसटी नंबर यहाँ पर दिया गया है इस जीएसटी का नंबर का मतलब क्या है, ये इनवॉइस नंबर आपको कहाँ लिखना है, डेट आपको कहाँ लिखनी होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये बिल टू के अंदर यानी कि कस्टमर नेम के अंदर है इसका मतलब क्या बनेगा, स्मार्ट एड्रेस का है इसका लेजर आपको किस तरीके से क्रिएट करना है, कस्टमर का लेजर किस तरीके से क्रिएट करना है, बिल टू शिफ्ट टू इसका दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्टॉक आइटम आपको प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करनी है, ग्रुप किस तरीके से क्रिएट करना है, ग्रुप के अंदर हमें टैक्स की डिटेल देनी है या नहीं देनी है, स्टॉक आइटम के अंदर हमें यूनिट बनानी है, यूनिट के अंदर हमें जीएसटी मेंशन करना है या नहीं करना है, अल्टरनेट यूनिट बनाने की जरूरत है या नहीं है, एचएसएन कोड कहाँ डलेगा, जीएसटी की परसेंटेज कहाँ डलेगी, ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकली सीखने की जरूरत है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आप समझ गए होंगे भी अगर आप कोई बुक्स नॉलेज ले रहे हो तो बुक्स के अंदर आपको क्या कुछ सीखने को मिलते हैं, और आप प्रैक्टिकली अगर आप कोई अकाउंटिंग सीखते हो किसी अकाउंटेंट के अंडर में रहते हुए तो आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है, और ये सारी बातें अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो और वहाँ पर जो आपको टीच करवा रहे हैं यानी कि जो आपको पढ़ा रहे हैं वो अगर एक खुद एक अकाउंटेंट है तो वो आपको ये सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से बताएगा, वो आपको कभी बुक्स है जो यूज करने ही नहीं देगा, और जो वहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो खुद एक अकाउंटेंट नहीं है, केवल वो एक टीचर है वहाँ पर, वो केवल एक फैकल्टी है, तो वो अगर आपको टेली बुक्स के थ्रू अगर वो समझा रहे हैं तो बुक्स नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज आपने दोनों का कंपैरिजन इस वीडियो के माध्यम से देख ही लिया तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो भी आपको टेली सॉफ्टवेयर की जो सीखने की जरूरत है वो प्रैक्टिकल तरीके से सीखने की जरूरत है या पर्टिकुलर किसी बुक्स के थ्रू सीखने की जरूरत है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट भी कर सकते हैं।